करें कारसाज हादसा केस के मुलजिमा नताशा की मनुष्यात केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शमील अहमद से। शमील अहमद अपडेट कीजिएगा। शमील अहमद सर, रब्ता मुनक़दा हो गया है। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा की मनुष्यात केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने यह फैसला सुना दिया है। फैसला महफूज किया गया था जो आज सुना जाने का इम्कान था, और अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा के हवाले से मनुष्यात के केस में दरख्वास्त जमानत जमा कराई गई थी, मगर अब इस दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। शमील अहमद हमारे साथ मौजूद है। शमील बताइएगा इस हवाले से, मनुष्यात केस में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत इस वक्त मुस्तरद कर दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने यह महफूज फैसला सुना दिया है। शमील से मजीद जानते हैं। शमील अपडेट कीजिएगा। अजय देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने नताशा मुलजिमा कारसाज हादसा केस की मरकजी मुलजिमा है, जिसका इम्तना है मनुष्यात केस में दरख्वास्त जमानत पर दो दिन कबल फैसला महफूज किया गया था, जिस पर अभी अदालत ने अब से कुछ देर पहले मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की है। ये दरख्वास्त किन वजूहात पर मुस्तरद की गई है, ये तफसीली फैसला सामने आने के बाद ही बताया जा सकेगा। अदालत ने फिलहाल मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये मेरिट पर पूरी नहीं उतरती दरख्वास्त, लिहाजा दरख्वास्त। शमील अहमद अपडेट किया आपने।